सिलेक्शन नहीं होने का जो सबसे बड़ा कारण है ना दोस्त, वो है डेली स्टडी रूटीन का नहीं होना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेई बनने के लिए आपको डेली स्टडी रूटीन कैसे बनाना चाहिए। आमतौर पर ना दोस्त, जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो एक दिन में कम से कम 8 घंटा पढ़ाई के लिए आसानी से निकाल सकते हैं, और जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं वो कम से कम 4 घंटा तो इजीली निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए। तो आज हम लोग इसी के बेसिस पे अपना डेली स्टडी रूटीन बनाएंगे। आज जो हम लोग रूटीन बनाएंगे उसमें एक दिन हम लोग कंप्लीट रेस्ट करेंगे और एक दिन जो हमने पूरा सप्ताह पढ़ा है उसका रिविजन करेंगे। आपके सामने एक ब्लैंक शेड्यूल है। ब्लैंक शेड्यूल के एक साइड में सप्ताह के 7ों दिन के नाम हैं और दूसरे साइड में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास 2 कॉलम हैं। दोस्तों, आपको एक दिन में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इसीलिए मैंने ये शेड्यूल पे क्लास 1 और क्लास 2 सिर्फ 2 ही खाने बनाए हैं। अगर आप एक दिन में 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सारा चीज़ हौच पौच हो जाएगा, इसलिए यही अच्छा है कि आप कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। इस चार्ट को देख के आप समझ ही गए होंगे कि सप्ताह में एक दिन आपको रिवीजन का रखना है और एक दिन आपका रेस्ट रहेगा। और दोस्तों, ये जो क्लास का जो ड्यूरेशन है ना, तुम कितना समय पढ़ाई के निकाल पा रहे हो उस हिसाब से तुम बांट लेना। मैं जब तैयारी कर रहा था तब मैंने 4-4 घंटे का एक क्लास बनाया था। मेरे हिसाब से एक क्लास 4 घंटा का होना चाहिए। भाई देखो, अब जेई बनने के लिए हम लोगों को 2 स्ट्रीम का पढ़ाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला हुआ टेक्निकल और दूसरा हुआ नॉन टेक। टेक्निकल में जिस ब्रांच से भी हम हैं उस ब्रांच में लगभग 5 से 6 ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, और नॉन टेक में करंट अफेयर, मैथ्स, GK, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी ये आते हैं। अब दोस्त, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में जो सब्जेक्ट तुम्हें सबसे ज़्यादा ईजी लगता है ना, उसको सप्ताह में एक दिन दो। जैसे मैं क्या करता था, मुझे करंट अफेयर और रीजनिंग बहुत ही ईजी लगता था, इसलिए मैं एक सप्ताह के एक ही क्लास में दोनों को पढ़ लेता था, दोनों को निपटा देता था। उसी तरह आपका भी कोई ईजी सब्जेक्ट होगा। जैसे मुझे टेक्निकल में बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत ही ईजी लगता था तो मैं सप्ताह में सिर्फ एक ही क्लास उसे देता था, पर मुझे जो मैथ्स है थोड़ा हार्ड लगता था इसलिए मैं 2 क्लास मैथ्स को देता था। दोस्त, अब इस शेड्यूल के हिसाब से देखें तो आपके पास एक सप्ताह में पढ़ने के लिए टोटल 5 दिन है और टोटल 10 क्लास है, मतलब कि आपके पास लगभग 40 घंटा है पढ़ाई करने के लिए एक सप्ताह में। दोस्त, जरूरी नहीं है कि एक सप्ताह में आप अपना सारे सब्जेक्ट पढ़ ले। नहीं, आप एक सप्ताह में जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो सब्जेक्ट आप पढ़िए, बाकी सब्जेक्ट को अगले सप्ताह के लिए शेड्यूल कर दीजिए। और इन सब में दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट है रिविज़न करना और कंसिस्टेंसी। तुम रोज़ पढ़ रहे हो कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, और रिविज़न करना बहुत ज़रूरी। देखो भाई, जो तुम्हारा आने वाला एग्ज़ाम है ना, उस एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार और तुम्हारा स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट के अनुसार ये जो खाली शेड्यूल मैं तुझे दिखा रहा हूँ इसे तुम खुद से अपने से भर लो, तब तुम उसे अच्छे से फॉलो कर पाओगे। और ये हर एक आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो शेड्यूल तुम बना रहे हो इसे बना के अपने स्टडी टेबल के सामने या फिर जहाँ तुम्हारा नज़र बार बार जाता है वहाँ तुम इसे दीवार पर लगा दो। भाई अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपके दिल तक पहुँचा है ना, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर करना। और भाई छोटा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और तुम टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है, तुम उस वीडियो को देख के अपना टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हो।